76 के लिए ये बहुत ही गमगीन माहौल है कि फेफाड़ा का हमारा युवा साथी जालिम सिंह गोदारा जो 132 सीआरपी बटालियन में श्रीनगर तैनात था और उन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और इस दुखी घड़ी में परिवार को भगवान शक्ति प्रदान कर इसी कामना करता हूँ। दिवगत आत्मा को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करके उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इससे युवाओं में भी ये संदेश जाएगा कि अपने देश की रक्षा के लिए युवा बढ़ चढ़ कर आगे आए, जिससे कि जवान हमारी सीमा पर खड़े होते हैं तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। आप सरकार के अंदर है क्या ऐसी मांग करोगे, क्या ऐसी इनकी याद के अंदर ऐसी व्यवस्था करवाओगे जिससे इनको हमेशा याद रखा जाएगा? ग्रामीणों से जनप्रतिनिधि हम चर्चा करके जो भी इसकी याद में या उसके में पैतृक गांव में जो भी याद में बनाया जाएगा, मैं सरकार से बात करते हुए उसका भी पूरा करवाया जाएगा, चाहे वो स्कूल का नाम हो या किसी भी तरह के शहीद की याद में जो भी ग्रामीण यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रस्ताव देंगे उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। शहादत दी देश के लिए, क्या कुछ कहेंगे? शहीद की शहादत को नमन करते हुए आज न केवल फेफाड़ा गाँव में हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के लिए गौरव की बात है। जब भी कोई शहीद किसी भी बटालियन में किसी भी प्रदेश या जाति धर्म का हो, वो देश की रक्षा और जवानों के लिए शहीद होता है तो ये अपने आप में गर्व की बात है। और उनका पूरा परिवार ही नहीं, आज पूरा गांव उनका परिवार है, पूरा प्रदेश उनका परिवार है, हम सब उनके इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं और उनके पूरे परिवार को नमन करते हैं। ऐसा क्या सरकार से डिमांड करनी चाहिए भी यहाँ एक आदर्श बन जाए, युवाओं को प्रेरणा मिले उससे? अभी हमारे विधायक जी ने बताया कि वो निश्चित रूप से सरकार के नुमाइंदे और सरकार से वार्ता करेंगे, हम भी उनके साथ इस चर्चा में शामिल होकर गांव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके परिवार है और हमारे यहाँ पे प्रधान जी आए हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं, इस पर बैठ के चर्चा करेंगे। ये कोई राजनीति का विषय नहीं, ये बहुत ही मान सम्मान का विषय है। निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए प्रेरणा बढ़े, आपने ठीक कहा, इस ओर जो भी सकारात्मक कदम होंगे हम सरकार से मांग करें कि वो उठाएँ।